ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵੰਡੀ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੀ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸਾਰੇ तो आपने खाना क्या है पीना क्या है ये मत पूछो आपका नाम क्या है ओके ओके चलो चाय बना के लाओ जल्दी जाओ से लिए ना दी बनी नहीं है नौकर है तुम बड़े फ्रॉड हो दो घंटे तक लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार करती रही तुम कहां थे खुल गई वार्ड तकसीम का फंक्शन हो रहा है अब्बा जान मां चंदा देने के लिए आए मुझे साथ लेकर प्रिंसिपल ऑफिस चले गए अब मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकता था जब मैं आया उधर लाइब्रेरी में मुझे लाइब्रेरी ने बताया आयशा जा चुकी है मैंने कहा ठीक है मैं आ गया फिर फिर मैं बहाना करके आगे के बाहर लड़ाई हो रही है लड़ाई किसकी हां हां मुझे लड़ाई में बहाना करने के लिए सीन ही बदले अब है चाय तैयार है सीन ही बदले मैं कहते खेले आओ चीनी कितनी डालनी है आधी बोरी डाल दो आधी बोरी के थोपा मम्मी का कर नहीं अम्मी ने बोरी बना चीनी कितनी लेंगे आप बदतमीजी ना कर मैं स्टैंड ते ला के इन्हें ची खिलार देना हट जाओ एक मिनट चीनी दो चम्मच क्या गरीबा वाली खंड ना दस दो चम्मच क्यों पढ़े लिखे वड्डे लोग आधी चम्मच आधी तू वड्डा आदमी अमीर आदमी नु दस ना कि मुझे शुगर है मैं चीनी नहीं खा सकता ठीक है मुझे हार्ट अटैक है मैं कुछ नहीं खा हार्ट अटैक है मुझे पैदल मैं चलता हूं गाड़ी पे नहीं बैठ सकता अल्लाह ने सब कुछ देता नसीबा जो कुछ नहीं है कहो पूछी नहीं पूछो चीनी कितनी आधी चम्मच आधी चम्मच आप कितनी चीनी आधी चम्मच बड़े लिखे लोग बड़े गुन्ने होंगे नहीं क्यों पावे मुश्किल ना फिके चा पील में पीनी आधी चम्मच पीनी आधी चम्मच ही है कार पावे परौंठे ने खंड डोल के खांदी होवे मैं उन्हें पूछी आपने जलेबियां खाई कभी जलेबी 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 जलेबियां नहीं देखी कभी नाना पावे कसूर च कढ़दा होवे आप ਨਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਕਸੂਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਡੀਆਂ ਵਾਹ 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 किस तरह से पत्ती ज्यादा है अरे भाई कैसे पत्ती ज्यादा है नजर आ रही तो अड्डे जी पत्ती ज्यादा है कहा था फिल्म देखने चलेंगे तो चलते हैं बेटे फिल्म सिनेमे देखने जाना है तेरे वाली नहीं देखनी खोखे पैसे भी देने कही तू बोतल दे ढक्कन कट्ठे कर शिजान ही प्रेम नहीं जी पेप्सी मैं अभी लेके आता हूं कान बड़ो अच्छा चुगतो चुगती कैंड सानू टाइम लगे सी जुतियो जुतियो कान बड़ लो कान अच्छा लो भी है जी कान की है मैं जी ओरा की है तू कहनी है कुकड़ मैं सारी रात कुकड़ बना के रखना कुकड़ बनाओ कुकड़ बनाना आओ भी है जी हां जी मेनू कुकड़ बनाओ अच्छा ये तो पीना रोज लड़ते ने सारे महल सारे महल की ट्रैफिक ब्लॉक की उम्र कितनी अच्छा तुसी तो है ना मियां साहब मियाणी जी
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਨਾਬ औरत तो लड़ाई है जी थोड़े तो हां जी क्योंकि औरत एक साडे घर ते इक अद्धी औरत ने ते इधर ते माशाल्लाह पांच छे कट्ठियां कीतियां ने जी जिथे लड़ता जी थप्पड़ पा दिंदा है धमकड़ा है बड़ा लड़ता जी मैं तुम दस रहा जी ये साडे घर मियां जी हां जी ये लड़ाई इथे मियां जी इस वास्ते हुंदी जी ए रोज अपनी बुढ़ी नू लिया के दिंदा जी मिठाइयां अच्छा ओ सवेरे उठ के मेरी बुढ़ी नू दसदी अच्छा फिर ओ मांगदी है लड़ाई मैं झूठ बोलदा जी मियां जी मैं तुहानू दस रहा मैं अपनी बुढ़ी नू लिया के मिठाइयां ते अपनी बुढ़ी लिया के दिंदा जे कपड़े ओ दसदी मेरी बुढ़ी नू मेरी बुढ़ी मैं ते 2-2 महीने गल नहीं करदी दस तुसीं आप हिसाब लाओ कपड़ा ना लिया मियां बीवी घर च पत्ते बन के फिरिए जी उतो मैं घर च बकरियां भी रखी अपने रवाज सानू दसी जान अज तो बाद अपने अपने घर चीजा ले जानिया बंद कर दो जे मियां जी अपने पेकिया नु तुर गई फिर पागल हो तुसी ते बेवकूफ हो ओए औरत औरत होवे सही ओ अपना घर छड के नहीं जांदी क्यों ए साडे लिए जड़ियां टुर जांदियां ने ए की ने होर तां नहीं ने इहदा पता करो असीं ब्याह किधर गए किधर ब्याह हो गए ने साडे इक गल ते इक गल ओनू फिकर ही कोई नहीं ओनू ए खुशी बस ब्याह ते गया मन जिते अपनिया बुढ़िया नू चीजां लैके देनिया बिलकुल बंद कर दो ठीक है तुहाडा हो गया फैसला मेरे को लड़े कोई ना किसी भी बुढ़ी नू मेरा मतलब है जेड़ी भी साड़ी बुढ़ी है अच्छा वैसे मेरी बुढ़ी जेड़ी है ना वो ज्यादा बुढ़ी नहीं मैं उन्हें कपड़ा भी लिया के देना ही नहीं चीजा असि नहीं लिया के देते नहीं शामा नहीं लिया मियां साहब ने कहता मियां साहब ने भैन बनाते साड़ियां बुढ़ियां मियां साहब ने कहता जी के भैन बनाता चार पांच साल तो शादी नू लंघ जा भैन भाई लगते हैं मैं भी कहां मेरी बुढ़ी ने मेरी शक्ल क्यों बदल लग गई वाह 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 मैं साली साली कह के बुलाना ओए मियां जी साली साली असि हुन चलने जी चलो निकल जाओ ते मियां जी असि हुन घर च कोई चीज नहीं ले आनी बिल्कुल ते जे साडियां बुढ़ियां नस गईयां ठीक है
ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਘਰੇ, ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਲਾ ਬੇਗਮ। ਹਾਂ ਹਲੋ ਡੈਡੀ। ਆਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਸੇ ਭਾਗ ਆਇਆ। ਓ ਡੈਡੀ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਬੇਟਾ? हाँ मुझे आपकी बात याद आ गई, वो आपका कैलकुलेटर और टेप रिकॉर्डर कमरे में पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जाके ले ले। डैडी आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? मैं सुबह आपको कॉलेज जाने की जल्दी थी इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा आएंगे तो दे दूंगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू डैडी। डैडी आप वाकई बहुत अच्छे हैं, क्या पास भी करते, बहुत अच्छे हैं। पहले उन्होंने दिमाग नहीं मान होना, दिमाग और खराब करो। बस कर दे बस कर दे, मामा ने तारीफ होने दी। बच्चा के साथ बच्ची हो जानी है तू। वाह वाह वाह, आप हमारे अब्बा जी को ऐसे मत बुलाया करो। तो फिर किने बुलाया कर आप, हट पके बुला। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं गल कहूंगा कि फैमिली ड्रामा चल रहा है। हाँ। इस करके देखने का मजा आ रहा है कि फैमिली ड्रामा चल रहा है कि बेझिझकों के देखो, कोई भी गल सुनो, किसी भी करैक्टर नू सुनो, कोई भी गल सुनो, फैमिली ड्रामा जी। ते ये देख के मजा आ रहा है। होर के जिदा अलबेला साहब जी गल की, उन्हों का मैं आज तक परसनली कोई भी ड्रामा नहीं देखा सीगा, तो मैं पहली बार मौका मिल रहा है कि उन्होंने मैं एक ड्रामे के देख पा रहा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मैं गल्लां सुनियां एक प्रोग्राम के बच्चे, हाँ जी अलबेला साहब होंगे सके, तो अगर जाके हूँ हनी अलबेला साहब अगे अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल सेम स्टाइल है, काफी हद तक सेम स्टाइल है उनका बोलने का, आवाज भी, शक्ल भी, काफी हद तक सारा कुछ भी। हां ते ए जेड़े खड़े ने अपने आखिर दे विच जेड़ा पूरा थ्रू आउट रहे ने, फीना फीना फीना, तुसी सब नु पता ही होएगा, बड़ा फेमस करैक्टर ड्रामिया दे। इन्हां नु मैं देखिया जदों मैं ड्रामे देखने शुरू किए सीगे मिड तो बाद, हुण इत्थे देखण नु मिल रहा है कि हां जी कदों उनां दा स्टार्ट होया सी करियर, जदों उन्होंने ड्रामे करने शुरू किए सी, बड़े छोटे छोटे उम्र दे ने यार सारे, ते हुण पता लग रहा है कि स्टार्ट कित्थों होया सीगा, ड्रामे दा माहौल, फैमिली वाला माहौल कित्थों शुरू होंदा सीगा। ते बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा सबनों देख के, ते मजा आ रहा है बस, और क्या, मजा ही आ रहा है, मजा आ रहा है, सच्ची मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक कैरेक्टर दी अपनी वाली गल दसो जेड़ी, वो कहंदे ने कि शक्ल मिलन लग जांदी है जेड़ी वाली, जेड़ी उन्होंने आखरी गल कीती, ये असीं भी बोलदे हुंदे ना, एक्चुअली सारे सारे दे कारण हुंदा है, मैनूं लगदा है फनी लॉजिक है, पर एदे पिछे लॉजिक कोई नहीं हैगा, एदा ही गल बनी है, ते वो गल चल सो चली चली जा रही है बड़े बड़े सालां तो, कि भाई ब्याह दे कुछ साल बाद, 5 साल या तकरीबन 10 साल बाद जो है मियाँ बीवी की जो शक्ल है वो मिलन लग जाती है, भैन भरा लगन लग जाते, लड़ते भी भैन भरा वांगू है, तो गल्लां बातें भी उदा करते जिवें सिबलिंग्स लड़ते हैं घर के, तो इतना मतलब इदा की एक मिथ हैगी है। तो हूँ तुम कॉमेंट्स में दसना है कि किना किना दा जेरे भी सानू व्यूवर्स देखते हैं, तुहाडा व्याह होया होया, तुहाडे व्याह नू किन्ने साल होए ने, तो जे तुसी या तुहाडे घर का कोई भी रिश्तेदार तुहानू इह कहिंदा या घर दे कहिंदे ने कि भई तुसी भैन भरा वांगू लड़दे हो, तो वह कॉमेंट्स जरूर दसना है, तो सानू बड़ी खुशी होगी जान के सानू मतलब साड़ी कैटेगरी वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिन्हों का नवा विआह होया, एफ वाई आए तो अजे थोड़े होंगे, थोड़े साल लंघ लैन दो, चार पांच रुको, चार पांच साल बाद तुहानू पुछांगे कि हाँ भी होंदी है लड़ाई कि नहीं होंदी। बट खैर बहुत मजेदार ड्रामा है, जेड़े अम्मी बने ने कुड़ी दे, आई थिंक ओ ने लेडी, असी हसबे हाल का प्रोग्राम बनाया सी जिदे विच इन्हां ने सुहेल अहमद साहब नाल बह के सिर्फ सिर्फ फनी लव लव के कंटिन्यू करिए, और कोई होर ड्रामा भी तुहाडी नजर विच होवे तां सानू कमेंट्स लिंक डायरेक्टली पेस्ट कर दिओ, ईमेल ते नहीं करना या इंस्टाग्राम ते नहीं करना, अपना नाम लिख के थले लिंक पेस्ट कर दो, ते हुण सानू दे दो इजाजत, थक गए हैं, मिलने अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो, दुआओं में सानू याद रखो, तन याद रखेंगे, दियो इजाजत प्रीत भाई, ते तब तक ले सत श्री अकाल, ते खुदा हाफिज़, टाटा।